हेलो एंड वेलकम टू सोम भगत रुचा, मैं हूँ शुभम। और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं मैट एग्ज़ाम के बारे में, जो आप लोगों का IBD टेस्ट होने वाला है, होम बेस्ड इंटरनेट बेस्ड टेस्ट अपना PC में। तो उसका जो पूरा प्रोसीजर है, कैसे क्या आपको जो सिस्टम में क्या चेंजेस करना है, कैसे टेस्ट को फिनिश करें, कैसे स्टार्ट करें, और क्या कुछ जो कुछ भी आपको मिलेगा सब कुछ इस वीडियो में, जो कुछ भी क्वेरी है आप लोग का, सब कुछ इस वे सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। और तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले बताना चाहूँगा, अगर इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कुछ भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर बताया गया आपको प्रॉपर नेटवर्क कनेक्शन होना चाहिए, जिसका स्पीड हो 512 KBPS के आसपास, ठीक है। और सपोर्टेड ब्राउज़र में जो भी है क्रोम, अगर वर्जन है उसका वर्जन होना चाहिए 63 एंड अबव, ठीक है। और फायरफॉक्स है वर्जन तो 52 एंड अबव। उसके बाद सिस्टम रिक्वायरमेंट एम एस बी बोल के एक सॉफ्टवेयर है जो मैट का है आप लोगों का, ठीक है। उसको आपको जो इन्विटेशन आएगा मेल में तभी उसको आ जाएगा आपके पास। तो आपके लिए सबसे पहला जो बात है, इसमें जो वर्जन होना चाहिए आप लोगों का विंडोज़ का 7, उससे ज़्यादा होना चाहिए। उसका काम होगा तो आप लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और मिनिमम आपका जो डेस्कटॉप में 65 MB स्पेस फ्री होना चाहिए, ठीक है, हार्ड ड्राइव में। और आप जब टेस्ट एग्ज़ाम चालू हो जाएगा तो आपका बैकग्राउंड में जैसे गूगल क्रोम ब्राउज़र हो गया, मोजिला फायरफॉक्स ब्राउज़र हो गया, इसको नहीं रहना है, सबको क्लोज करके रखना है आप लोग को, हाँ। उसके बाद देखिए यहाँ पर टेस्ट का एक स्क्रीन आएगा, इसे टेस्ट यहाँ से लॉन्च करना है आपको टेस्ट को, ठीक है। जब इन्विटेशन आएगा उसके बाद लॉन्च करने के बाद यहाँ से प्रोसेस टू टेस्ट में जाना है, और उससे पहले आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। और यहाँ से डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा आपको वहाँ पर। उसके बाद आपको जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है, यहाँ पर जो कुछ भी आपको टर्म्स एंड कंडीशन मांगा जाएगा सब को देख के इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसको इंस्टॉल होने के बाद ऐसे इंटरफेस आएगा और इसको क्लोज़ कर दीजिएगा, ठीक है। क्लोज़ करने के बाद आपको स्टार्टिंग टेस्ट के लिए बताया जाएगा, तो आप लोग स्टार्ट लॉन्च टेस्ट में क्लिक कीजिएगा, ठीक है। उससे पहले आपको कुछ परमिशन मांगा जाएगा MSB की तरफ से, जैसे कैमरा हो गया और आपका माइक्रोफोन, उसको देने के बाद आप जो है इसको लॉन्च कर सकते हैं टेस्ट को, ठीक है। उसमें स्टेप 8 में आते हैं, तो यही था। देखिए यहाँ पर यहाँ पर ओपन ESB को जब क्लिक कीजिएगा इसमें, तो ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा, जो भी यहाँ पर देखिए टीम व्यूअर, क्रोम, फायरफॉक्स, ऐसा कुछ भी नहीं है आपके मोबाइल में, सब कुछ यहाँ से हटा दिया जाएगा। ऐसा कुछ आएगा, इसको ओके करके नेक्स्ट में आना है आपको। उसके बाद आपको यहाँ पर जो बोले कैमरा एंड माइक्रोफोन का परमिशन मांगा जाएगा। सब कुछ लेने के बाद आपके डिवाइस में जैसे एग्जाम्पल हो गया ड्रॉप बॉक्स, टॉरेंट एक्सेट्रा कुछ भी नहीं होना चाहिए, उसका नेक्स्ट में क्लिक करना है आपको। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद ऐसा एक इंटरफेस आएगा, उसमें अपना नाम दे दीजिएगा, नाम, ईमेल एड्रेस, ऑर्गेनाइजेशन जो है आपका कहाँ पर आपको दिखा दिया जाएगा, उसका डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट नंबर, जेंडर, कंट्री दिखे, इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस में आएगा। उसके बाद आपको स्नैपशॉट लेना है अपना फोटो का, और आइडेंटिटी कुछ भी जैसे पैन कार्ड के यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। इसको देने के बाद दोनों को सबमिट कर देना है आपको, ठीक है। दोनों को सबमिट कर दीजिएगा, यहाँ पर स्टेप 11 में है। उसके बाद अगर आपका कुछ भी गलती होता है तो फिर से आप बताया जाएगा, तो फिर से आप इसको जो है प्रोवाइड कर दीजिएगा अगर नहीं मैच खाता है, ठीक है। तो इसके बाद जो स्टेप है, उसके बाद यहाँ पर ऑटोमेटिक एक जो वेब कैम है ऑटोमेटिक को ले दिया जाएगा, तो वहाँ पर उससे आपका उसका प्रोसेस टेस्ट में जाकर यहाँ से क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पर कहाँ पर कुछ कुछ मिलेगा टेस्ट एक्सपीरियंस जो कुछ भी है, यहाँ पर आप देख लीजिएगा। टाइम लिमिट रहेगा आपको पढ़ने के लिए, तो यहाँ पर कहाँ कुछ मिलेगा इसको देख लीजिएगा आप लोग। यहाँ से देखने के बाद अब फाइनल टेस्ट, ठीक है। अब टेस्ट के जो आखिरी जो पेज है, यहाँ पर ऐसा कुछ आएगा, आपका जो सेक्शन है सेक्शन ABCD, ठीक है, हो गया। इसको अगर आपका सब लगता है सब ठीक है तो यस फिनिश टेस्ट कीजिएगा, अगर लगता है नहीं टेस्ट फिनिश मेरा कुछ गलती है, रिव्यू करना है हमें, तो कैंसिल होने का रिव्यू करने का है आप लोगों का विथ टाइम लिमिट के अंदर, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आप सब कुछ समझ पाए होंगे। इसके बाद भी कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं, तो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।